हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग यार? तो वो सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसके कन्फ्यूजन के लिए आज हम दूर कर लेंगे, ठीक है? और एग्जाम पैटर्न क्या है सब कुछ मैं अभी बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो फुल वीडियो है और एक ही बार में सब तुम लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है ना, तो फिर तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं जो भी कन्फ्यूजन होगा उसके ऊपर वीडियो बना के फिर चला दूँगा, ठीक है? देखो, तुम्हारा एग्जाम पैटर्न जो है रहने वाला है, जीकम का एग्जाम पैटर्न जो है वो रहेगा, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है? इस बार ऑफलाइन नहीं हो रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ड्यूरेशन है 3 घंटे। देखो अकॉर्डिंग गूगल कर रहा हूँ, गूगल से पता कर रहा हूँ जो भी है डिटेल, तो 3 घंटे ड्यूरेशन बता रहा है। टोटल क्वेश्चन है 100 और टोटल मार्क्स है 400, जिसमें से 2 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 ईयर, ठीक है? और पास विथ क्लास मिनिमम 35%, 10th क्लास में 35% होने चाहिए, और मैथ्स 50% आता है इसमें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को मिला के 50%, यानी कि 25 और 25। तो ग्रुप ए वाले मैथ पे ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि ग्रुप बी जो 3 ईयर्स का डिप्लोमा बेस्ड कोर्स है, इसके लिए पास होने चाहिए 10th क्लास विद एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट विद मिनिमम 35% सेम प्लस 2 विद एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट। जो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होने ही चाहिए। मैथ में तो मैथ का जो सिलेबस इसमें आने वाला है 50% सिलेबस मैथ का आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर तीनों को मिला के 50% आएगा, यानी कि मल्टीपल 50% मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? तो देख लो कितना कितना बनेगा, यानी कि भाई तुम्हारा पड़ जाएगा 17% फिजिक्स, 17% केमिस्ट्री, 17% एग्रीकल्चर, 50% मैथ, ठीक है? ये क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप सी की बात करें यानी कि फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी या होम साइंस या टेक्सटाइल डिज़ाइन, या हम बोल सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग। देखो फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी जो है 3 ईयर्स का कोर्स है, वहीं होम साइंस वाला जो है वो 2 ईयर्स का है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है वो 3 ईयर्स की है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग वो भी 3 ईयर्स का कोर्स है। पास होना चाहिए 10th क्लास विद 35%, ठीक है? और इसमें क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी, और कंपैरिजन 20% रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50%, जनरल अवेयरनेस 30%, ठीक है? क्लियर हो रहा होगा ना? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आते हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है? ये ग्रुप डी की बात हो रही है। ग्रुप डी में 2 कोर्स आते हैं कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें क्या होता है, दोनों ही कोर्स 2 ईयर्स के हैं, प्लस 2 और 2 इक्विवेलेंट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एलिजिबिलिटी जो है वो एज ए सब्जेक्ट ड्यूरिंग 10th एंड 12th। जैसे आपने इसमें अप्लाई किया हुआ 12th से किया हुआ, तो 12th सब्जेक्ट ड्यूरिंग लिखा है इसमें 10th और 12th, ठीक है? इंग्लिश एंड हिंदी कंपेरिजन 30%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आपकी 30% है, इसमें से 35% सॉरी मेमोरी का अवेलेबिलिटी है जो वो है 10%, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस 25%। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को भेज देना ये मैसेज पर्सनली, ठीक है? अब बात करें तो ग्रुप ई1 एंड ई2, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है? तो ये 2 ईयर्स का कोर्स है, पास होने चाहिए प्लस 2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ बायोलॉजी जो जैसे डाले हो। बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी 50% है, बायोलॉजी यानी कि बॉटनी और जूलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50%, यानी कि 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री और 50% आपकी बायोलॉजी, ठीक है? मैथ वालों के लिए 50% मैथ था और इसमें मैथ भी है। आप बात करें थे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिशू कल्चर जो ग्रुप एफ के लिए है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, BSc होनी चाहिए विद बायोलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री आपकी 50% पूछी जाती है, इसमें जूलॉजी 25% पूछी जाती है, वहीं पर बॉटनी का आपका 25% रहता है। बात कर लेते ग्रुप जी की। ग्रुप जी में क्या रहता है, ग्रुप जी पोस्ट
ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये 1 or 2 years डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंडिंग और ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन होनी होनी चाहिए, इंग्लिश कंपेरिजन 20%, न्यूमेरिकल एलिबिलिटी 15%, रीजनिंग 30% और जनरल इंटेलिजेंस 20% एंड जनरल अवेयरनेस 15%। इस परसेंटेज के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ग्रुप एच के लिए जो है वो 3 ईयर का है, पास्ट विथ 12 विथ इन 35% मिनिमम एलिजिबिलिटी है इसकी। अब हम बात करें तो जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं इसमें से रीजनिंग एंड लॉजिकल डिसीजन में से 25% आना, न्यूमेरिकल अवेलेबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25% इंग्लिश 25% और जनरल नॉलेज जो है वो 25%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप आई, ग्रुप आई में आपके 3 कोर्स आते हैं, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स, ठीक है, 3 ईयर्स का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या है, प्लस 2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ और इक्विवेलेंट विथ 5% मिनिमम 50% चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ और डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50% और मैथ 50%, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर 50% है और मैथ 50% है अलग से। ग्रुप के की बात कर लेते हैं, ग्रुप के, ग्रुप के में क्या है, ग्रुप के में कई सारे ग्रुप आते हैं, ग्रुप के 1, के 2, के 3, के 4, के 5, के 7, के 8 तक, ठीक है। के 1 क्या होता है, लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स है ग्रुप के, और इसमें के 1 में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 2 कोर्स आते हैं। के 2 में आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग के बाद अपने सब्जेक्ट की बात करें तो PCM ग्रुप पूछा जाता है और सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच होते हैं उसके 1st और 2nd सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट वेटेज जो दिया गया है 40% PCM आएगा और 60% आपका उसमें से आ जाएगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में से, ठीक है। अब K2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताया था आपको मैंने, इंडस्ट्रियल कंट्रोल दोनों कोर्स आते हैं, इसमें भी PCM है और लेकिन ब्रांच बाय जाएंगे वो, तो इलेक्ट्रिकल के लिए K2 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 22 लेवल से, PCM 40% और इलेक्ट्रिकल का लेवल 60%। K3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 3-4 तरह की होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेस। PCM ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40% PCM और 60% आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं K4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे ऑटो कैड के नाम से मुझे पता है, कुछ कैड बोलते हैं जिसे। PCM ग्रुप है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से 40% आना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा 60%, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होता है उससे। अब K5 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT जिसे बोलते हैं, इसमें से PCM पूछा ही जाएगा IT के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 60% आएगा, PCM से 40% आएगा। K1 में सारे ग्रुप में PCM 40% है और जो ब्रांच रिलेटेड ब्रांच से 60% पूछा जाएगा, टेक्निकल का ये है। चलो ये 2-3 ब्रांच और मुझे इनको भी डिफाइन कर देता हूँ। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी PCM ग्रुप है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से 60% और PCM से 40%। K7 फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए है, ये सब लेटरल एंट्री की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी 40% भाई आपका PCM, 60% फैशन एंड डिजाइन से रिलेटेड,
टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री 40% एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के बारे में 60% आपको आना चाहिए। बस ये है आज इतनी कहानी इस वीडियो में, शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी होगी। अब ग्रुप के सभी ग्रुप के जो टॉपिक वाइज हैं उनको मैं अगली वीडियो में डिफाइन करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम की जो लिंक दी है मैंने उसको ज्वाइन कर लो, ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, पर्सनल नंबर भी दे रखा है मैंने वहाँ पे, कर दिया करो मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हम पर्सनली मैसेज रिसीव कर लेते हैं, सबको रेस्पॉन्स करते हैं। मेरे पास बहुत से लोग कनेक्टेड हैं जिनको मैं पर्सनली रेस्पॉन्स करता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका जो क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या क्वेश्चन रहते हैं और क्या आपकी क्वेरी है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद भाई, शेयर कर दिया करो वीडियो सब तक कि दोस्तों को पहुँच जाए, आपसे रिलेटेड जानकारी पहुँचानी चाहिए। थैंक्स।